photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't. विद अनदर व्लॉग और आपको बता दूं गाइज, यहाँ बहुत बहुत ठंड है और मैं कहाँ हूँ आजकल, मैं हूँ रामपुर में और पहले भी बताया, जो मेरे यहाँ के सब्सक्राइबर है उनको पता है 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर बुशहर यहाँ पर मेरा घर है। सो मैं यहाँ आई हूँ आजकल कुछ काम से, थोड़ा सफाई करने, बिकॉज बंद रहता है घर, तो घर तभी अच्छा लगता है अगर घर पे कोई रहे। सो लॉकडाउन है, इतने टाइम में सफाई भी नहीं होती है, मुझे लगा कि जाना चाहिए, सो इसलिए आई हूँ। चलिए गाइज, अभी टाइम हुआ 8:30 के अराउंड और आप सभी मेरे व्लॉग्स को बहुत पसंद करते, थैंक यू सो मच। और गाइज यहाँ बहुत ठंड है और आपको बता दूं, यह धूप भी नहीं आती है, थोड़ी सी आती है 10 मिनट के लिए, थोड़े हमारे घर तक की। ये यहाँ का पता नहीं कौन से पाप की होगी यहाँ वालों ने, ऑब्वियसली यहाँ वालों में हम भी आ जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ भी ना उस तरफ को, थोड़ी थोड़ी सी धूप आई, मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पहाड़ एंड अरुणा चौहान यूट्यूब चैनल और लुक एट द माउंटेन्स। और बहुत अच्छा क्लियर मौसम है और सामने दिख रहा है चाटी है इस प्लेस का नाम, और ये अपोजिट जो है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। यहाँ रिचोली से बिल्कुल अपोजिट चाटी जो है ये और माउंटेन्स है ये पड़ते हैं। सो इंजॉय कीजिए। तो गाइस यहाँ पे तो है बहुत ज्यादा ठंड और धूप अभी उधर ही आई, और यहाँ से देख लो आप माउंटेन्स कितने ऊपर ऊपर लगते हैं ना, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, नीचे है, ये लो हाइट में पड़ता है। सो गाइस मेरे को बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने जैकेट भी निकाला, ये जैकेट यहीं पे था मेरे पता नहीं कौन से टाइम का, सो मैंने निकाला है। सो चलिए अब मैं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ यहाँ पे, चलिए। सो चलिए गाइस बता देते हूँ आपको, यहाँ देख लीजिए घर के अराउंड है प्लम ट्रीज, और ये अभी तो कोई सीज़न नहीं है बट इस बार प्लम अच्छे नहीं थे, तो आजकल बहुत ये बेमौसमी जो प्लम है वो लगे हैं और मैं सरप्राइज थी इनको देख के। खाने में वैसा नहीं होता जैसे एक्चुअली होता है प्लम। सो यहाँ मैं लग गई थी सफाई करने गाइस, मुझे पूरे घर में सफाई करनी थी, और मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो आजकल, मैं रामपुर वाले घर में हूँ। गाइस ये जो घर है ये बहुत पुराना है, पुराना इन द सेंस इसकी नींव मेरे पापा ने आई थिंक 24-25 साल पहले रखी थी, जब आई थिंक भैया को पढ़ाना था रामपुर में, यहाँ DAV था, गांव में नहीं था, और यहाँ देख लीजिए। सो इस वजह से ये नींव रखी थी और यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ। ऑटम सीजन चला गया है लेकिन अभी तक पतझड़ चला है। गाइस आई एम बैक और मेरी सफाई हो चुकी है, और सीरियसली गाइस थक जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में जो रूम रेंट्स पे दिए थे वो लोग भी नहीं थे, तो सफाई नहीं हो पाती है, तो ऑब्वियसली जब मैं आती हूँ तो मेरे को ऊपर टॉप से बॉटम तक करनी पड़ती है। सो हो चुकी है सफाई, रूम की सफाई तो हमेशा ही करते हैं, और वैसे भी आपको बता ही दिया है कि रेंट पर्पज से बने हैं रूम्स, तो एज ए पर्टिकुलर ज्यादा सफाई हमें तो करने को होती नहीं है। सो चलिए अब मैं सबसे पहले गाइस नहा लेती हूँ,
और फिर सोचती हूँ खाने को क्या बनाती हूँ, और देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने को। खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप सोचते होते हो कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, बट मैं हमेशा वही बनाती हूँ, खास के लिए जब मैं यहाँ आती हूँ, बिकॉज सब कुछ मेरे हाथ में होता है, तो मैं अपनी मनपसंद की सारी चीजें बनाती हूँ। सो गाइस चलिए मैं शाल ले लेती हूँ, नहा लेती हूँ, मे भी तब तक थोड़ी सी धूप आ जाए यहाँ पे। सो उसके बाद खाना बनाऊंगी, बनी रहिए वीडियो साथ, और वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो हाय वेलकम बैक गाइस। सो मैं नहा चुकी हूँ फाइनली, और नहाने के बाद अभी थोड़ी सी ठंड लग रही है मेरे को, और यहाँ बहुत ठंड है गाइस। ठंड इसलिए है बिकॉज धूप नहीं आती है प्रॉपरली, धूप आती होती है तो लाइट अप हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी मेरे दिमाग में आया मैं क्या खाने को बनाने वाली हूँ अपने लंच में, वो आपके साथ सस्पेंस से शेयर करूंगी। उससे पहले देख लीजिए मैंने थोड़ी सी अपना फेस क्लीन, क्लीन से लग रहा होगा अभी, फाइनली आपको मेरा ये लुक दिख रहा होगा। मॉर्निंग में ना गाइस मैं पता कैसे जाती हूँ, पूरा मेरा फेस में स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है तो पता क्या होता है, मैं ना मतलब मेरे को बोलते हैं कि आप किन्नौर का लुक भी देते हो, और मैं किन्नौर ही लगती हूँ सच में जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, क्योंकि स्वेलिंग होती है। मुझे सुबह ना बात करने का मन भी नहीं करता, मेरे को क्वाइट सा एनवायरमेंट चाहिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है पहले से उनको पता है। सो चलिए अभी मैं पूरा रेडी हुई हूँ, और मैंने हेयर वॉश नहीं किया गाइस। सो हेयर इसलिए वॉश नहीं किया है, रात में करती हूँ हेयर वॉश, नहीं तो ठंड के मारे मैं तो यहाँ शिवरी कर लूँ। सो चलिए बनाते हैं खाना, किचन में जाते हैं और आपके साथ शेयर करूंगी, बने रहिए वीडियो के साथ, थोड़ा भी इंजॉय कर रहे हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए हाय एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ किचन में, अब बनाऊंगी मैं कुछ खाने को। जो खाने को बनाने वाली हूँ ऑब्वियसली मेरा फेवरेट होगा। और गाइस पता लाइट गई है, पता नहीं क्यों गई है लाइट, फिर भी थैंक गॉड विंडो से रोशनी आ रही है आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए। सो चलिए बनाती हूँ खाना, मेरे साथ कोई है नहीं अभी, सो आपको खाना ही दिखाऊंगी, मैं तो खुद को खुद शूट नहीं कर पाऊंगी। सो चलिए बनाती हूँ खाना। और गाइस आपको बता दूं, आप सभी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे दिल्ली से और आई थिंक यूपी से सब्सक्राइबर है, यूट्यूबर भी है वो, तो मुझे बोलते हैं कि हम आप ही को देखते रहते हैं वीडियो में, बाकी चीजें नहीं देखते। सो थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और मेरे को आ रही है लाइव की रिक्वेस्ट भी कि आप लाइव कब आओगे, मैं कोशिश करूंगी जल्दी लाइव आने की। और गाइज आप सोचते होंगे मैं हमेशा आपको इतना थैंक यू वो क्यों बोलती हूँ, उसका गाइज रीजन है थैंक यू बोलने का, क्योंकि अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते हो ना, मेरे लिए बहुत सारा होता है वो। और अभी ग्रो कर रही हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, स्लो स्टडी कर रही हूँ, बट कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू वो जस्ट आपकी वजह से। सो चलिए बातें बंद करते, तब तक शायद धूप भी आ जाएगी, उधर आ चुकी है धूप अभी, तो जब तक यहां तक आएगी तब तक मेरा खाना बन जाएगा, फिर मैं थोड़ी देर धूप में चली जाऊंगी, विटामिन डी भी जरूरी है ना। सो चलिए बनाते हैं खाना। चलिए गाइस आज मैं बना रही हूँ कुल्थी, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, मैं इसकी खिचड़ी बनाने वाली हूँ। कुल्थ जो दाल होती है गाइस, ये पथरी, पाइल्स, खांसी, हार्ट डिजीज, यूरिनरी ट्रैक के जो भी स्टोन है, इन्फेक्शन है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। साथ में सारे इंग्रेडिएंट्स कट करके रख लिए हैं, साथ में देख लीजिए वहाँ गाजर और टमाटर घर से आए थे। चावल को थोड़ी देर भिगोने को रख दूंगी ताकि जल्दी से पक जाए, और तब तक मेरी जो दाल है वो भी पक जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है, और नॉर्मल वे से बनाती हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ गाइज। और आपको बता दूँ अभी जैसे कि लंच टाइम है, तो मैं सोच रही थी कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको बताना इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा मेरा मोटो रहता है आपको कुछ अपने व्लॉग में ऐसी चीज़ बताऊं जो बहुत बेनिफिशियल हो आपके लिए, बिकॉज़ इधर उधर ये सारी चीज़ों के साथ साथ मेरे लिए बेनिफिशियल होता है तभी व्लॉग, अगर मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। सो चलिए यहाँ देख लीजिए ग्रेवी बन चुकी है, प्रॉपरली तड़का लगा दिया है, ऐड कर लिए कुल्थ की दाल,
थोड़ी सी डालिए बिकॉज़ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी। इसके बाद सीटी लगा के इसको पका दिया था और यहाँ मैंने पानी और इसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं खिचड़ी बनाने को। इसके बाद इसमें मैं दो सीटी लगा दूंगी, मैं दो जो विसल है वो लगा दूंगी। यहाँ ऐड कर दिया था एंड में मैंने धनिया और मेथी, और बहुत डिलीशियस होती है और छाछ या दही के साथ खाने में तो बहुत मज़ा आता है, घी के साथ भी खा सकते हो। सो ठंड थी बहुत, सो मैंने अवॉइड की, छाछ निकाल तो दी थी। कैसी लगी रेसिपी? हाय एवरीवन, सो आई एम बैक और अभी टाइम हुआ है 6 o'clock के अराउंड और बाहर रात हो चुकी है और मेरा जो डिनर है ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं काढ़ा पी के फ्री हुई हूँ। डिनर में आलू की सब्जी बनाई है, नॉर्मल सी है तो कोई आपके साथ शेयर नहीं किया। सो गाइस चलिए, मैंने सोचा व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा तो आपके साथ तो चलो व्लॉग की एंडिंग करना तो बनता है। अभी 6 बजे का टाइम हुआ है और दिन में आपको दिखा दिया कि धूप ना के बराबर लगी थी। और गाइस उसके बाद मैं आके सो गई थी, सोने के बाद थोड़ी सी बुक्स उठा ली थी पढ़ाई की और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने अभी मास्टर्स का एग्जाम दिया था बट मेरा वो नहीं हो पाया एग्जाम बिकॉज गाइस वो उसमें सिर्फ हमारे जो हिमाचल में है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक तो IGMC आ जाता है, एक तांडा वाला आ जाता है। सो आई थिंक जो हमारे मंडी में है एक गवर्नमेंट कॉलेज तो वहां के लिए मे बी इस बार सीट्स निकाली हो। तो गाइज तो मेरा है जनरल कैटेगरी और 5 जो सीट्स होती है पर हेड होता है, सो मेरा नहीं हो पाया। सो आपके साथ शेयर करना तो बनता है। आप अब ऐसी फैमिली हो चुकी हो यूट्यूब फैमिली, मैं पर्सनली मुझे बहुत सारा लगाव हो चुका है आप सभी से तो शेयर करना बनता है। सो चलिए कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती रहूंगी और कभी ना कभी तो हो जाएगा। सो गवर्नमेंट का ट्राई करना था मुझे, मास्टर्स गवर्नमेंट से करनी थी बट नहीं हो पाया, बट मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट ईयर। सो चलिए गाइस आज का व्लॉग एंड करने वाली हूँ बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मे बी बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री होंगे, कुछ एग्री होंगे। और गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिसेंटली आई थिंक प्रीवियसली जो गया वीक गया उसमें मेरी एक स्कूल फ्रेंड होती थी तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। सो मेरा बहुत टाइम बाद ऑब्वियसली होता है ना कि लिंक नहीं था उसके साथ, बट जब मुझे वो न्यूज मिली दैट टाइम आई वॉज शॉक्ड बिकॉज वो बहुत अच्छी लड़की थी गाइस, बहुत शरीफ थी, अच्छी थी और 12th तक हम 9th से मेरे साथ पढ़ी थी और मैं बहुत अच्छे से जानती थी। इवन आफ्टर 12th जब मैं घर से बाहर गई स्टडी पर्पस से, उसके बाद भी हमारा काफी अच्छा एक वर्चुअल लिंक भी था और थोड़ा सा लिंक था बट उतना क्लोज नहीं था। सो शी कमिट सुसाइड। सो बहुत बुरा लगा मेरे को सुन के, बट हैरानी वाली बात वो है गाइस कि पीपल कैसे जज कर लेते हैं आजकल किसी की लाइफ को भी। और आप मानोगी नहीं गाइज, मुझे पर्सनली मेरा तो बहुत टाइम हो गया तो उसके साथ पर्सनली चैट नहीं हुई थी, इतना क्लोज नहीं थे, बट मुझे पर्सनली 2-3 मैसेजेस आए पूछने के लिए कि आपकी फ्रेंड थी, क्या वजह थी, क्यों हुआ ऐसा वैसे। और मैं सीरियसली इन सारी चीजों में कभी नहीं पढ़ती हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट है। मुझे बुरा लगा, थी मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी थी और एक बहुत अच्छा आदमी चला गया, मुझे बहुत ज्यादा दुख है। बट बात वो है गाइस, पीपल जो है ना किसी के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को देखो, आप दूसरों की लाइफ क्यों देखते हो? अगर किसी ने कुछ किया है आप उसको जरूरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखते हो कि वो आप उसको ब्लेम करो कि मे बी कुछ ऐसा होगा वैसा होगा इसलिए उसने ऐसा किया। गाइस प्लीज, अगर आपकी ये सोच है तो ये ऐसी सोच प्लीज गाइस मैं आपको बोलती हूँ मत रखिए। और किसकी लाइफ में क्या चला है, क्या प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है सब बता पाए। और सभी नहीं होते हैं जो सबकी लाइफ में घुसना पसंद करते हैं। जिसकी लाइफ है जिसको जैसे जीनी है जीने दो ना यार। और सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आया जब मेरे को 2-3 मैसेजेस आए कि आपकी फ्रेंड थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और मुझे सीरियसली ऐसा, मेरा पहले ही मूड ऑफ था जब मैंने सुना। मैं ऐसी थी सीरियसली गाइज, यू गाइज आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट लाइफ, वो भी किसकी,
किसी और की लाइफ, वो भी वो पर्सन जो कि इस दुनिया में है ही नहीं है। गाइस सीरियसली ऐसी जो चीजें हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में गाइस दुख है, आपकी लाइफ में भी होंगे, मे भी आप शो नहीं करते होंगे, मैं बोलती हूँ मेरी लाइफ में भी है, तो क्या हम हंसना छोड़ दे? सबकी लाइफ में होता है कुछ ना कुछ, भगवान ना छोटी छोटी सी चीज हर एक पर्सन की लाइफ में दे देता है कि आपको उसको साथ में लेकर चलना होता है। गाइज ऐसा नहीं है तो वो आपकी, मैं तो सीरियसली गाइज ये चीज मेरे को बहुत अफेक्ट हुई और मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। मेरे व्यूज तो ये होते हैं गाइज, आपके क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। और मैं सभी के कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और एज सून एज पॉसिबल मैं ट्राई करती हूँ आपको रिप्लाई करने का। सो चलिए गाइज, यहाँ बहुत ठंड है, देख लीजिए मैं अभी भी ब्लैंकेट में बैठी हूँ। और आपको पहले भी बताया मेरा जो कैमरा होल्डिंग ट्राईपॉड है वो गांव में रहा है, सो मुझे अभी थोड़ा सा कैमरा हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो चलिए कोई बात नहीं, मैं करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा वीडियोस को। और ये छोटी सी चीज इसलिए शेयर की है, इसलिए नहीं गाइस मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू टेक सिंपैथी फ्रॉम द ऑल द पीपल्स, बट ये एक बहुत बड़ा इशू है। जो भी करता है उन सबके लिए प्लीज मत किया कीजिए ऐसी ऐसी हरकतें। सीरियसली सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी की पर्सनल लाइफ में जबरदस्ती घुसा मत कीजिए और स्पेशली ब्लेम मत किया कीजिए किसी लाइफ को। सो ये छोटा सा आपके साथ मैंने शेयर किया, मेरे व्यूज थे, मे बी आपके कुछ अलग व्यूज होंगे, बट मैंने आपके साथ शेयर किया और मुझे था भी कि आपके साथ शेयर करूं। सो चलिए गाइज अब करती हूं मैं अपनी वीडियो को एंड, और बहुत सारी बातें होगी आपके साथ और होप करती हूं आपने इंजॉय किया होगा मेरी इस वीडियो को। और ये थी आपकी अरुणा चौहान। सो गाइज अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो। और सेकेंडली गाइज इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो यू कैन, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है aruchauhan75 एंड वहां जाइए, मेरी लेटेस्ट अपलोड्स आपको वहां मिल जाएगी। और गाइज मैं आपको स्पेशली बोलना चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। अदर सोशल मीडिया में आप मैसेज या कमेंट करोगे गाइज इतने सारे ऑप्शन नहीं होते हैं कि हर एक को वहां रिप्लाई कर सके। सो मैं बोलती हूँ कि आप यूट्यूब के कमेंट यूट्यूब में ही किया कीजिए, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। कहीं और करोगे तो गाइज उसका कोई मैटर नहीं है मेरे लिए, क्योंकि यूट्यूब पे करोगे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको रिप्लाई करने की। सो चलिए बहुत सारी चिटचैट हो गई है, और आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो देखना तो उसके लिए थैंक यू। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। ये थी आपकी अरुणा चौहान। सो जब तक नई वीडियो आती है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।